हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार, एमएमएससी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि साइन जीरो, साइन थर्टी, साइन फोर्टी फाइव या ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज है उसे हम उसे कैसे याद करते हैं। साइन जीरो, दोस्तों साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो। एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब हम लोग जानते हैं लोग कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो अगर पूछा जाए कि कॉसेक जीरो डिग्री का वैल्यू, कॉसेक जीरो डिग्री का वैल्यू, तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। एंड 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और इसी इनफाइनाइट को हम अपरिभाषित बोलते हैं। यानी साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो कॉसेक जीरो का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/0 इज इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। किसी भी संख्या में जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट बोले तो अपरिभाषित। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। यानी कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 1 डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड 2 नोमिनेटर हो जाएगा। सिमिलरली कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 ऊपर जाएगा एंड 1 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/1, दैट इज वही होगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, और हम जानते हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो इसका रेसिप्रोकल 1/1, दैट इज कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 2/√3 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू होता है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/1। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0, दैट मीन्स 1/0 को ही क्या कहते हैं? इनफाइनाइट कहते हैं। किसी भी नंबर में जब आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट माना जाता है। इनफाइनाइट कोई एक नंबर नहीं है। इनफाइनाइट मतलब होता है अपरिभाषित। टेन जीरो डिग्री का वैल्यू होता है 0, एंड टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। टेन 45 का वैल्यू होता है 1, टेन 60 का वैल्यू होता है √3, एंड टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉट 0 डिग्री का वैल्यू 1/0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/1, दैट इज कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। टेन 45 का वैल्यू 1, तो कॉट 45 का वैल्यू भी 1 होगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, तो इसका रेसिप्रोकल कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इसके नीचे कितना है? 1, दैट मीन्स 1/√3। टेन 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट, तो cot 90 डिग्री इसके नीचे क्या है? 1 है, दैट मीन्स 1/इनफाइनाइट। एंड हम जानते हैं किसी भी नंबर में जब इनफाइनाइट से डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। यानी
कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियोज़ यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।